हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व थर्ड पार्ट ऑफ मॉडल क्वेश्चन पेपर 4। पिछली दो वीडियो में क्वेश्चन 1 to 17 हमने सॉल्व कर लिया था। यहाँ क्वेश्चन 18 से स्टार्ट करेंगे, विच इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक एडमिशंस इन डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ अ कॉलेज आर गिवन बिलो। ये आपका स्ट्रीम गिवन है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, लॉ एंड एजुकेशन। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। ड्रॉ अ पाई चार्ट टू रिप्रेजेंट द अबव इन्फॉर्मेशन। तो इसके लिए हमें एक पाई चार्ट बनाने हैं। तो पाई चार्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालते हैं। सो 100 प्लस 120 प्लस 65 प्लस 45 प्लस 13 सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाता है 360। तो टोटल स्टूडेंट 360 है। नाउ इसका एंगल निकालेंगे पर सब्जेक्ट। सो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने निकाल लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ऐड करके 360 आ गया। नाउ स्ट्रीम, यहाँ सब्जेक्ट्स लिख लिया मैंने, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, लॉ, एजुकेशन। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो गिवन है, साइंस में 100, आर्ट्स का 120, कॉमर्स 65, लॉ 45, एजुकेशन 30। नाउ इन सबका हम एंगल निकालेंगे। सो एंगल्स में ये 100 है, तो 100 कितने में से, टोटल 360 स्टूडेंट्स में है। सो 100 अपॉन 360 इंटू एंगल्स, 360 डिग्री कंप्लीट एंगल होते हैं। सो 360 डिग्री, 360 से 360 डिवाइड किया तो बच गया 100 और ये डिग्री, सो इक्वल टू 100 डिग्री। इसी तरह से 120 अपॉन 360 इंटू 360, 360 से 360 कैंसिल तो इक्वल टू 120 डिग्री। नाउ 65, तो ये भी हमारा हो जाएगा 65 अपॉन 360 इंटू 360 डिग्री, ये कैंसिल हुआ, बच गया 65 डिग्री। नाउ 45 अपॉन 360 इंटू 360 डिग्री, कैंसिल किया, आ गया 45 डिग्री। एंड लास्ट हमारा 30 अपॉन 360 इंटू 360 डिग्री, अगेन डिवाइड किया तो 30 डिग्री। अब ये जो एंगल हमारा आ गया 100 डिग्री, 120 डिग्री, 65 डिग्री, 45 डिग्री एंड 30 डिग्री, इस एंगल से अब हमें पाई चार्ट बनाने हैं। क्लियर? तो इसके लिए एक सर्कल हम बना लेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे बना दिया है। सर्कल बनाने के लिए के बाद एक हॉरिजॉन्टल रेडियस ले लेंगे। सो सेंटर पॉइंट से एक रेडियस ले लेते हैं यहाँ हम। क्लियर? नाउ सबसे पहले हमारा 100 डिग्री है, सो प्रोटेक्टर का यूज करेंगे एंड ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे प्रोटेक्टर को पुट करेंगे इस पॉइंट से। ठीक है, अब 100 डिग्री कहाँ हमारा, तो देखिए ये हमारा 100 है ना, तो 100 पे एक पॉइंट बना देंगे, इस पॉइंट से इससे मैच कर दीजिए। ये हमारा इसके सामने ये पॉइंट रहा, दोनों को मैच कर देंगे तो ये हमारा हो गया 100 डिग्री। साइंस के लिए यहाँ साइंस लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा आर्ट्स के लिए 120 डिग्री है, तो ये जो लाइन अभी हमने लिया इसे अब हमारा रेडियस बन जाएगा। सो इस पॉइंट पे अगेन 90 डिग्री पुट करेंगे, ये रेडियस लेंगे। सो इस तरह से इस लाइन पे इसे पुट करेंगे। ठीक है, तो इधर लाइन हमारा इस साइड, सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 120 डिग्री, देखिए ये हमारा 120 है। सो यहाँ एक 120 के सामने यहाँ एक पॉइंट बना दीजिए एंड इस पॉइंट से इसे मैच कर देंगे। सो इस तरह से प्रोटेक्टर की हेल्प से 120 का एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा हो गया 120 डिग्री फॉर आर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट है कॉमर्स 65 डिग्री। अब इस रेडियस पे रखेंगे प्रोटेक्टर को। सो इस तरह से प्रोटेक्टर को पुट कीजिए इस पे एंड 65 डिग्री, ये हमारा 60 और ये जो लाइन है 65, तो यहाँ 65 एक पॉइंट बना देंगे एंड इसके सामने से इसे मैच कर दीजिए। ठीक है, इस लाइन पे हमने ले लिया, ये हो गया हमारा 65 डिग्री फॉर कॉमर्स। सो यहाँ हम लिख देंगे कॉमर्स। नेक्स्ट है लॉ के लिए 45 डिग्री। सो अगेन प्रोटेक्टर को इस पे पुट करेंगे, ये जो भी हमने लाइन लिया इसे रेडियस मानकर यहाँ पे पुट करेंगे प्रोटेक्टर को एंड नाउ 45 डिग्री, ये हमारा 40 एंड इसके बाद ये जो लाइन है छोटी वाली ये 45, सो 45 इससे इसे मैच कर देंगे। सो ये हमारा हो गया 45 डिग्री, तो इसमें हम लिख लेंगे 45 डिग्री फॉर लॉ। एंड नेक्स्ट है एजुकेशन का 30 डिग्री। सो ये बचा हुआ पार्ट ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा फॉर एजुकेशन। ठीक है, आप चाहो तो मेजर करके देख सकते हो, ये भी हमने लाइन ड्रॉ किया था 45 डिग्री के लिए। सो प्रोटेक्टर की इस पे पुट करेंगे सो ये देखिए पुट करने पे ये हमारा 30 डिग्री। क्लियर? तो इस तरह से ये हमारा पाई चार्ट बनकर रेडी हो गया।
नाउ क्वेश्चन 19 इज, एंड हाँ इस पे इस तरह से हम एंगल भी बना देंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरह से ये ड्रॉ कर दीजिए। तो इस तरह से हमारा पाई चार्ट बनकर रेडी हो। क्वेश्चन 19 इज, हाइट ऑफ अ रूम इज हाफ ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है, रूम का जो हाइट है लेंथ का हाफ है, दैट मीन्स अगर लेंथ को हम एक्स मान ले तो हाइट हमारा क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन टू। इसके बाद कह रहा है एंड इट्स ब्रेथ इज 3/2 ऑफ द हाइट, जो ब्रेथ है हाइट का 3/2 है, हाइट हो गया एक्स अपॉन टू, दैट मीन्स एक्स अपॉन टू इंटू 3/2 यानी कि 3x/4 ये हमारा ब्रेथ कहलाएगा, ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स फोर वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹35/m² इज 3920। अब यहाँ पे फोर वॉल्स के पेंटिंग का कॉस्ट दिया गया है, टोटल कॉस्ट 3920 एंड इसका रेट क्या है 35 पर मीटर, 1m² का रेट 35 है, इस हिसाब से टोटल कॉस्ट आ रहा है 3920। तो इन दोनों से हम एरिया ऑफ फोर वॉल्स निकाल लेंगे, जब एरिया ऑफ फोर वॉल्स निकल जाएगा तो आसानी से एरिया ऑफ फ्लोर निकलेगा एंड देन कॉस्ट ऑफ टिलिंग द फ्लोर एट द रूम ऑफ रेट रूम एट द रेट ₹170/m². देन हम ये जो पूरा फ्लोर का एरिया जब पता चल जाएगा तो उस फ्लोर का टीलिंग का कॉस्ट हम निकाल सकते हैं। सो हम लिख लेंगे लेट लेंथ एल इज इक्वल टू एक्स मीटर, तो हाइट हो गया एक्स अपॉन टू मीटर, ठीक है, लेंथ का आधा यानी कि एक्स अपॉन टू मीटर, ब्रेथ 3/2 इंटू एक्स बाई टू, ये हो गया 3x/4m, 2 × 2 = 4m। नाउ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल्स एट द रेट ऑफ 35 पर मीटर स्क्वायर, ये गिवन हमें ₹3920। सो फोर वॉल्स का रेट दिया है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स हम निकाल लेंगे बिकॉज रेट एंड टोटल कॉस्ट है। सो दियर फोर एरिया ऑफ फोर वॉल्स इज इक्वल टू 3920/35, 35 से 3920 को डिवाइड करेंगे, ये 112 टाइम में डिवाइड होता है, सो इक्वल टू 112m². नाउ एरिया ऑफ फोर वॉल्स का फार्मूला हमने लिया बिकॉज हमें लेंथ ब्रेथ हाइट पता करने हैं, सो 2 × h एंड इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 112। एरिया फोर वॉल का फार्मूला, एरिया फोर वॉल 112, तो फार्मूला लेंगे तो सेम बात हुआ। नाउ हाइट है x अपॉन टू हमने लिया है, सो 2 × h यानी कि 2 × x/2 एंड इन ब्रैकेट l यानी कि x प्लस ब्रेथ 3x/4 इज इक्वल टू 112। टू से ये 2 डिवाइड हो गया, बच गया x एंड x के नीचे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, 1 4 का एलसीएम लिया 4, तो ये हो गया 4x + 3x, दैट इज 7x, सो x इंटू 7x/4 इज इक्वल टू 112। नाउ x से x को इंटू किया तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सो 7/4 x² इज इक्वल टू 112 हो गया। नाउ एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर पर यहाँ स्टॉप कर लेंगे, तो 4 × 112 क्रॉस मल्टीप्लाई में, सो 112 × 4 अपॉन में ये 7 अपॉन आ गया, 7 से इसे डिवाइड किया 16 टाइम में, नाउ 16 × 4 = 64, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर यानी कि 64 या इक्वल टू 8 का स्क्वायर हुआ, हमें ओनली एक्स चाहिए, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 8, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल, एक्स इज इक्वल टू 8, या ऐसे भी आप लिख सकते हो एक्स इज इक्वल टू देयर फोर, है ना, 64 के बाद आप ऐसे लिख सकते हो देयर फोर एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64 = 8, ऐसे ये लाइन भी आप लिख सकते हो या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ एक्स की वैल्यू लेंथ ब्रेथ एंड हाइट में पुट करेंगे, सो लेंथ एक्स हमने माना था तो लेंथ तो यही हो गया 8 मीटर, हाइट एक्स अपॉन टू लेट किया था, सो एक्स की जगह पे 8 × 8/2 डिवाइड किया 4 मीटर, इसी तरह से ब्रेथ 3x/4 था, सो हो जाएगा 3 × 8/4 डिवाइड किया 2, 3 × 2 = 6 मीटर, तो लेंथ ब्रेथ हाइट एंड ब्रेथ ये हमारा निकल गया। अब क्वेश्चन में हमें कॉस्ट ऑफ टीलिंग द फ्लोर दे रहा है, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर 170, सो कॉस्ट ऑफ टीलिंग फ्लोर टोटल कॉस्ट निकालना होगा फ्लोर के टीलिंग का, इसीलिए हमें एरिया ऑफ फ्लोर निकालना होगा। सो नाउ एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ हमने अभी यहाँ फाइंड कर लिया, सो 8 × 6 = 48m². नाउ रेट ऑफ टीलिंग पर मीटर स्क्वायर गिवन है ₹170, सो रेट ऑफ टीलिंग 48m² इज इक्वल टू 48 × 170 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ₹8160 एंड यही हमारा आंसर हो गया, क्लियर। नाउ क्वेश्चन 20 इज, अ रोड रोलर हैज अ डायमीटर 84 cm एंड इट्स विथ इज 1.2 मीटर, इफ इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू लेवल अ प्ले ग्राउंड देन फाइंड द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द प्ले ग्राउंड एट द रेट ऑफ 1750 पैसे पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे बुक में आपके पैसे लिखा है जो कि गलत है, यहाँ पे रुपीज आना चाहिए, ठीक है, तो आप सही कर लेना, रुपीज लगा देना, ₹1750 पैसे पर मीटर स्क्वायर ऐसे होगा, क्लियर। अब क्वेश्चन को समझते हैं,
जैसे मान लीजिए ये हमारा एक रोट रोलर है, रोट रोलर में ये रेडियस हो जाएगा, ये पूरा डायमीटर दिया है 84, तो 84 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। नाउ विथ दिया है 1.2 मीटर, ये सेंटीमीटर मीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर, सो 120 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो विथ है ये हमें दे रखा है 120 सेंटीमीटर। यहाँ आप ध्यान रखना जो विथ होगा वही ये रोड रोलर का हाइट कहलाता है, क्लियर। इसके बाद कह रहा है कि 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है लेवल ऑफ प्लेग्राउंड, है ना, प्लेग्राउंड को एक लेवल में लाने के लिए जो रोट रोलर है 500 टाइम रिवॉल्व करता है। तो यहाँ आप ध्यान रखना जितनी बार ये रिवॉल्व कराया, यानी कि अगर वन टाइम रिवॉल्व करता है तो जितनी दूर में, जैसे ये प्ले ग्राउंड है, अगर इस पर रिवॉल्व करा, मान लीजिए प्ले पेन अभी हमारा रोट रोलर है, ठीक है, इस मार्क यहाँ जो आप देख रहे हो ना एक छोटा सा निशान, यहाँ से ये रिवॉल्व करना शुरू किया ये रोट रोलर, तो रिवॉल्व करेगा तो वन रिवॉल्यूशन कब होगा, जब ये वापस आ जाएगा इस प्लेस में, यानी कि जितनी जगह में ये रिवॉल्व किया वो ग्राउंड का एरिया हो जाएगा एंड इस कर्व्ड सरफेस एरिया इस रोट रोलर का दोनों इक्वल होंगे, ये ध्यान रखना आप। तो हम क्या करेंगे, इस रोट रोलर का पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे एंड कर्व्ड सरफेस एरिया में 500 रिवॉल्यूशन है, 500 से मल्टीप्लाई जब हम कर देते हैं तो ग्राउंड का एरिया निकल जाएगा, क्लियर। तो वही हमें एरिया ऑफ प्लेग्राउंड फाइंड करने हैं। उसके बाद कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द प्लेग्राउंड, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द प्लेग्राउंड निकालना, ये तो वेरी इजी है, तो चलिए इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। सो सबसे पहले हम लिख लेंगे डायमीटर गिवन है 84 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 84 अपॉन 2 इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। अब हमें ब्रेथ यानी कि विथ दिया हुआ है 1.2 मीटर, इसे कन्वर्ट किया तो हो गया 120 सेंटीमीटर। नाउ कर्व्ड, सी फॉर कर्व्ड, एस फॉर सरफेस, ए फॉर एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे ऑफ रोड रोलर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर इज इक्वल टू, तो ये हमारा फॉर्मूला इसका क्या होता है 2πRh, ठीक है। अब यहाँ पे हाइट हमारा ये ब्रेथ है, ब्रेथ की जगह विथ भी आप लिख सकते हो, सो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं इक्वल टू 2πRb, ना बी हमने नाम दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर हो गया 42 इंटू ये हमारा हो गया 120। नाउ इसे डिवाइड करेंगे 7 6, अब 2 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 120 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 31680 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दिया है, सो हम लिख लेंगे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, रिवॉल्यूशन ये गिवन है 500, एरिया ऑफ ग्राउंड इज इक्वल टू 500 इंटू 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में हम कन्वर्ट करके लिख लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 500 इंटू 31680 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये अगेन हो जाएगा 3.168 मीटर स्क्वायर, सो इज इक्वल टू ये हो गया 1584 मीटर स्क्वायर। ये एक आंसर हमारे पास हो गया एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। नाउ कॉस्ट ऑफ लेवलिंग निकालने हैं, सो निकाल लेते हैं, तो लिख लेंगे हम कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट गिवन है ₹17.50, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 1584 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, मीटर स्क्वायर हमने क्यों किया, बिकॉज जो हमें कॉस्ट दिया गया है पर मीटर स्क्वायर का दिया गया है, तो इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर को अगेन मीटर स्क्वायर में लिखेंगे, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ₹1584 मल्टीप्लाई बाई 17.5, इन दोनों को इंटू करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ₹27,720 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 21 इज, इफ एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² एंड सब पार्ट 2 में x^4 प्लस 1/x⁴, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये जो पार्ट दिया है इसका बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, यहाँ भी स्क्वायर लगाएंगे यहाँ भी स्क्वायर लिखेंगे, सो हम लिख लेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स,
जब दोनों साइड इस पे हम स्क्वायर लगा देंगे तो ये वाला फॉर्मेट में आ जाएगा। सो हम लिख लेंगे, ये हो जाएगा, पहले लिखेंगे एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव का स्क्वायर। नाउ ये हो गया ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया वन बाय एक्स का स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू इंटू एक्स इंटू बी हो गया वन बाय एक्स, एक्स एक्स कैंसल इज इक्वल टू फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव। सो ये हमारा बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये ट्वेंटी फाइव, एंड यहाँ प्लस टू बच रहा है तो लेफ्ट टू राइट हैंड साइड प्लस आएगा टू आएगा तो माइनस टू बन जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री, तो ये सब पार्ट वन का आंसर हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। देखिए इसे जब हमने इस तरह से स्क्वायरिंग किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया। सो इसकी वैल्यू हो गई ट्वेंटी थ्री। क्लियर। नाउ सब पार्ट टू में सॉल्व करना एक्स टू द पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर फोर, इसे हमें सॉल्व करना है। तो अगेन ये जो आंसर हमारा आया है इसे हम स्क्वायरिंग करेंगे, बिकॉज इस क्वेश्चन के लिए गिवन वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इजक्वल टू ट्वेंटी थ्री, ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन के लिए गिवन कंडीशन। सो इसमें हम दोनों साइड अगेन स्क्वायरिंग करेंगे, तो ये हो जाएगा, पहले लिख लेंगे अगेन स्क्वायरिंग, तो अगेन स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ये हमने लिख लिया, अब इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री है, सो ट्वेंटी थ्री का स्क्वायर। अब इसके आगे मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, सो यहाँ पे ध्यान से समझिए एक्स स्क्वायर का पावर टू है यहाँ, तो एक्स के पावर फोर हो जाएगा, इसी तरह से वन बाई एक्स स्क्वायर का पावर टू, सो एक्स का पावर फोर, तो लिख लेंगे हम एक्स टू द पावर फोर प्लस वन बाई एक्स टू द पावर फोर, ठीक है, ये बन गया। एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, सो प्लस टू अगेन ए इंटू बी लिखेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर जैसे टू ए बी, यहाँ शॉर्ट में समझ लीजिए, यहाँ मैं ओनली टू ले रही हूँ, क्यों ले रही हूँ समझ लीजिए, यहाँ पे होगा टू ए इंटू बी, ए की जगह पे एक्स स्क्वायर इंटू बी की जगह पे वन बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल है ना, टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स, तो टू बच रहा है, ठीक है, यही टू मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री का स्क्वायर है, तो 23 मल्टीप्लाई बाई 23 इज 529। नाउ एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू 529 प्लस 2 इधर आ जाएगा तो माइनस 2 बन गया, तो ये हो गया एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू, इसे माइनस करेंगे तो आ जाता है 527। ये हमारा सब पार्ट 2 का आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 22 इज इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज अ रोम्बस एंड डी सी ई एफ इज अ स्क्वायर, इफ एंगल ए बी सी 56 डिग्री फाइंड एंगल डी ए जी एंगल एफ ई बी एफ ई जी एंड एंगल ए जी सी। तो ये जो आपका गिवन फिगर है, इस फिगर में देखिए यहाँ ए बी सी डी रोम्बस, ये जो है ए बी सी डी, ये एक रोम्बस है, तो रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होता है, जब रोम्बस है दैट मीन्स ये चारों साइड एक दूसरे के इक्वल है। इसी तरह से कहा जा रहा है कि सी डी ई एफ, ये जो फिगर है ये हमारा स्क्वायर है, तो स्क्वायर में भी ऑल साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट हम लिख लेंगे ए बी सी डी इज अ रोम्बस, देयरफॉर ए बी इक्वल है बी सी के, इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ये क्वेश्चन वन हो गया। नाउ डी सी ई एफ इज अ स्क्वायर, सो सी डी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू एफ सी, ये हमारा क्वेश्चन टू हो जाएगा। सो फ्रॉम वन एंड टू, वन एंड टू वी गेट, तो यहाँ ध्यान से देखिए इक्वेशन वन में सी डी इक्वल है ए डी के, ठीक है, एंड इक्वेशन टू में सी डी इक्वल है डी ई, सी डी सी डी कॉमन है, सो हमारे पास ए डी इक्वल हो गया डी ई, ये मिलता है, सो हम लिख लेंगे ए डी इक्वल टू डी ई फ्रॉम वन एंड टू। क्लियर। नाउ एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 56 डिग्री अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, कैसे ये फिगर में समझते हैं, तो देखिए यहाँ ये हमारा फिगर है, इसमें ए बी सी ये एंगल 56 डिग्री दिया गया है, ठीक है, रोम्बस में ये हमें 56 डिग्री दिया गया, तो क्लियर है कि ये जो एंगल है ये भी हमारा 56 होगा,
अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। सो हम यहाँ यही लिख लेंगे एंगल ए बी सी इक्वल टू ए डी सी, ए डी सी है ना, ए बी सी एंगल इक्वल है ए डी सी, ये एंगल दोनों 56 हो गए, क्लियर। ऑल्सो एंगल ए टी ई इज इक्वल टू ई डी सी प्लस एंगल ए डी सी, तो ये समझते हैं। तो देखिए ए डी ई, अब ये एंगल इस पूरे एंगल की बात हो रही है, तो ए डी ई एंगल क्या हो जाएगा, तो ये एंगल हमारा ई टी सी है ना, ये पूरा एंगल ई डी सी प्लस सी डी ए के इक्वल है, ठीक है, ई डी सी प्लस सी ए डी सी है ना ऐसे, और ये एंगल इन दोनों को जोड़कर ये पूरा एंगल ई डी ए हो गया, क्लियर। एंड स्क्वायर में ऑल साइड कितना होता है 90 डिग्री, सो जब हम एंगल ई डी सी लेंगे तो ये हमारा 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, और ए टी सी यानी कि ये एंगल 56 हो गया इसके अकॉर्डिंग, सो वही हमने यहाँ लिख लिया 90 डिग्री प्लस 56 डिग्री इज इक्वल टू 146 डिग्री, क्लियर। नाउ सब पार्ट वन में हमें फाइंड करने हैं एंगल डी ए जी, ठीक है, डी ए जी, डी ए जी ये वाला पार्ट हमें फाइंड करने हैं। तो इसके लिए ये जो ट्रायंगल हमारे पास है ई डी ए, ये जो ट्रायंगल है ना ए डी ई ट्रायंगल, ई डी ए नाम भी दे सकते हैं, ए डी ई इस ट्रायंगल में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये साइड इक्वल है ए डी, ए डी इक्वल है ई डी, अभी हमने फाइंड किया था इक्वेशन वन एंड टू से, तो जब साइड इक्वल होते हैं तो अपोजिट एंगल्स भी इसके इक्वल होंगे, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल दोनों ही इक्वल होगा, और इस दोनों एंगल को हम एक्स मान लेते हैं, ये एक्स हो गया, क्लियर। सो हम लिख लेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई एंगल डी ई, ए इक्वल है एंगल डी ए ई के, ठीक है, डी ई ए इक्वल टू डी ए ई इक्वल टू एक्स दोनों को मान लिया, कॉज लिख लेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, क्लियर। अब फिगर को फिर से समझिए, ये एक्स हो गया, ये एक्स, और अभी हमने ए डी ई ये एंगल ए डी ई इस एंगल को फाइंड किया था 146 डिग्री, सो 146 प्लस एक्स प्लस एक्स 180 डिग्री हो गया ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से, तो यही लिखेंगे। सो एंगल ए डी ई प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड ए डी हमारा 146 डिग्री अभी हमने ऊपर फाइंड किया, यहाँ पर ए डी ई है ना, ए डी ई फाइंड किया था, सो 146 डिग्री प्लस ये हो गया 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, नाउ 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 146 डिग्री, माइनस किया तो आ गया 34 डिग्री, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 34/2 डिवाइड करेंगे तो 17 डिग्री, x आ गया 17 डिग्री, हैंस हमें फाइंड करने हैं फर्स्ट में एंगल डी ए जी इज इक्वल टू 17 डिग्री, ये हमारा फर्स्ट सब पार्ट का आंसर हो गया, देखिए डी ए जी है ना, डी ए जी, डी ए जी ये एंगल फाइंड करना था, इसे हमने एक्स मान के किया तो एक्स निकल गया 17, सो यही आंसर हो गया। नाउ सब पार्ट टू एंगल एफ ई जी इज इक्वल टू, एंगल एफ ई जी निकालने पहले फिगर समझते हैं, तो ये हमारा फिगर है एफ ई जी, ये एंगल अब हमें फाइंड, ये तो हमारा पता चल गया 17, अब ये एंगल हमें पता करते हैं एफ ई जी, ठीक है, तो इसमें ध्यान से देखिए ये एक स्क्वायर में है हमारे पास है, सो ये एंगल हम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, तो डी ई एफ है ना, ये पूरा ई एंगल, डी एंगल डी ई एफ में से अगर हम माइनस कर दें इस 17 डिग्री को है ना, ये टोटल, तो ये तो टोटल कॉर्नर पे जो हमारा 90 डिग्री होता है, सो ये टोटल 90 हो गया, अगर इस टोटल 90 डिग्री में से ये 17 डिग्री माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट निकल जाएगा, क्लियर। तो यही हमें नेम लिख के करना कि एंगल डी ई एफ, ये पूरा एंगल 90 डिग्री माइनस करना है एंगल डी ई जी को, ये एंगल का नाम डी ई जी से माइनस करना है, सो वही हम यहाँ लिख लेंगे एंगल एफ ई जी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ माइनस एंगल डी ई जी, तो डी ई एफ 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री माइनस किया तो ये हमारा हो गया 73 डिग्री, सब पार्ट टू का आंसर निकल गया। नाउ सब पार्ट थ्री।
सब पार्ट थ्री में हमें ये एंगल पता करना है, एंगल ए जी सी ये एंगल पता करना है, ठीक है। तो ये एंगल देखिए, इस ट्रायंगल में ए जी सी ट्रायंगल में ये एंगल यहाँ बन रहा है, ये पता करना है। ये पता करने के लिए हमें ये दोनों एंगल भी पता करने होंगे। तो सबसे पहले इस एंगल पे सब फोकस कीजिए। तो देखिए ये एंगल, अभी ये हमने 17 डिग्री फाइंड किया था और ए जी सी ट्रायंगल में ये वाला पार्ट आ रहा है, तो ये वाला पार्ट हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए एंगल डी ए बी, ये पूरा ए, ठीक है, एंगल डी ए बी एंड एंगल ए बी सी, मतलब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है एडजेसेंट एंगल से। सो इन दोनों का 180 डिग्री सम हो गया। तो एंगल डी ए बी, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 180 में से इस ए बी सी को माइनस कर देंगे। पहले इतना करते हैं फिर आगे समझेंगे। तो सब पार्ट थ्री मैं यहाँ बना दे रही हूँ। लिख लेंगे एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी सी, दोनों का सम 180 डिग्री, बिकॉज ये एडजेसेंट एंगल है। आप यहाँ पे लिख लीजिए एडजेसेंट एंगल, ठीक है, एडजेसेंट एंगल का सप्लीमेंट्री होता है, सो 180 डिग्री। नाउ एंगल डी ए बी, है ना, डी ए बी, ये एंगल हमें पता करने हैं। तो अभी तो हम पूरा निकाल रहे हैं डी ए बी, डी ए बी ये पूरी ए की पता पद का पता कर रहे हैं। सो एंगल डी ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री में माइनस कर देंगे एंगल ए बी सी, ए बी सी जो कि 56 है, 56 डिग्री, इसे माइनस किया तो आ गया 124 डिग्री। अब यहाँ देखिए ये पूरा एंगल हो गया 124, इस 124 में एक सामने 17 डिग्री पहले फाइंड कर लिया है, ठीक है। नाउ ये जो हो गया 124 डिग्री, दैट मीन्स अपोजिट एंगल ए सी, ये भी पूरा 124 डिग्री होगा, क्लियर। बट उससे पहले इस बाइसेक्टर को समझते हैं, ये जो रोम्बस है उसमें ये ए सी बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर क्या करता है, वर्टेक्स को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ए टोटल 124 डिग्री है, ठीक है, इसे ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये हाफ एंगल कितना हो जाएगा, टोटल डी ए बी का हाफ। सो एंगल डी ए सी, है ना, जब ये वर्टेक्स हाफ किया तो हाफ इधर हो गया, हाफ इधर हो गया, तो ये जो हाफ एंगल है ये अभी हम सॉल्व करेंगे। तो हम लिख लेंगे एंगल डी ए सी, है ना, डी ए सी इक्वल होगा हाफ, किसका हाफ होगा, तो डी ए बी, ये पूरे एंगल का हाफ। सो एंगल डी ए सी इक्वल टू 1/2 डी ए बी, 1/2 इंटू एंगल डी ए बी, बिकॉज यहाँ लिख लेंगे डायगोनल बाइसेक्ट्स द वर्टेक्स, ठीक है। सो ये हमारा हो गया 1/2 इंटू एंगल डी ए बी, डी ए बी पूरा एंगल 124 डिग्री, सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 62 डिग्री। अब यहाँ देखिए एंगल डी ए सी, डी ए सी यहाँ से यहाँ, ये पूरा हमारा आ गया 62 डिग्री हमने फाइंड कर लिया। इस 62 में से ये एंगल डी ए जी, ये एंगल 17 डिग्री है, तो सिर्फ हमें ये एंगल निकालना है जी ए सी, ये एंगल कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 62, ये पूरे यहाँ से यहाँ जो 62 आया, 62 में से 17 माइनस कर लेंगे। सो लिख लेंगे एंगल जी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी माइनस एंगल डी ए जी, डी ए सी है 62 डिग्री फाइंड किया हमने एंड डी ए जी 17 डिग्री पहले फाइंड कर लिया था एक, सो इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब यहाँ ये एंगल हमारे पास हो गया 45 डिग्री। अब ये ट्रायंगल जी ए जी सी ट्रायंगल में इस जी को फाइंड करने के लिए अब हमें ये एंगल एक चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन देखिए ए जी सी ट्रायंगल में, ठीक है, तो जी सी ए, ये एंगल का नाम क्या होगा, जी सी ए या ए सी जी भी लिख सकते हैं, तो मैं जी सी ए लिख रही हूँ। तो एंगल जी सी ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी सी बी का हाफ, बिकॉज इधर से भी वर्टेक्स आ रहा है, ठीक है, और ये टोटल 124 है, दैट मीन्स ये टोटल भी 124 है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। सो हम यहाँ लिख लेंगे एंगल, पहले लिख लेंगे इन ट्राइंगल ए जी सी, एंगल जी सी ए इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल डी सी बी। सो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 124 इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो 62 डिग्री। अब यहाँ ये एंगल हमारा हो गया
62 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में ये 45 हो गया, 62 हो गया, प्लस एजीसी आराम से निकाल लेंगे ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से। सो हम लिख लेंगे देयरफॉर एंगल एजीसी प्लस, है ना, एजीसी ये एंगल प्लस 45 प्लस 62। सो प्लस 45 डिग्री प्लस 62 इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल एजीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस, इन दोनों को प्लस करेंगे 107 डिग्री, माइनस करेंगे तो ये आ गया 73 डिग्री। सो एजीसी 73 डिग्री। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया एंड इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन 23 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।